हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं, संसद पढ़ लिए, ठीक है, लोकसभा भी पढ़ लिए, और आज पढ़ेंगे हम लोग राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है। देखिए, आपको बता दे रहे हैं, एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। संसद का आर्टिकल है आपको 79, ठीक है। लोकसभा का आर्टिकल है आपको 81, और राज्यसभा का आर्टिकल है आपको जो कि 80, ठीक है। हम लोग आज पढ़ेंगे राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। ये कितना आर्टिकल में आता है आपको? 80 आर्टिकल में आता है, ठीक है। देखिए, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर बनने मेंबर के लिए एज मतलब उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। इसका कार्यकाल 6 ईयर होता है। लोकसभा के बताया था आपको 5 ईयर होता है, इसका 6 ईयर होता है, ठीक है। देखिए, ये कार्यकाल में आपको जो कि हर एक 2 वर्ष में 1/3 मेंबर, ठीक है, 1/3 मेंबर आपको यहाँ से रिटायर होते हैं, ठीक है। 1/3 मेंबर यहाँ से अपने पोस्ट से मतलब हटते हैं, इलेक्शन होते रहता है, ठीक है। तो 6 वर्ष पर इलेक्शन होता है, हर एक 2 वर्ष पर 1/2 मेंबर मतलब हटते हैं, ठीक है, हटते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और देखिए, इसमें देखते हैं, इसको मिटका देते हैं। और देखिए, इसमें इसको राज्यसभा को, ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन, ठीक है। और जो कि लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है या द्वितीय सदन बोला जाता है, द्वितीय सदन या इनडायरेक्ट हाउस बोला जाता है, ठीक है, इनडायरेक्ट हाउस, ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता था, इसको उच्च सदन बोला जाता है, उसको प्रथम सदन बोला जाता था, इसको द्वितीय सदन बोला जाता है, उसको डायरेक्ट हाउस बोला जाता था, इसको इनडायरेक्ट हाउस बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो देखिए, ये एक अस्थाई सदन है, ठीक है, एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ठीक है, भंग नहीं होगा, ठीक है, भंग नहीं होगा, ठीक है, राज्यसभा भंग नहीं होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ से इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, समझ आ रहा है? देखिए, राज्य से MLA इसमें चुन कर मतलब कि इलेक्शन चुन कर आते हैं, ठीक है, चुन कर आते हैं। देखिए, जितना बता दे रहे हैं उससे बाहरी कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एक बार रिपीट कर लेते इसको, तो इसको मिटा देते हैं। और कुछ इनको इसमें इम्पोर्टेंट है बता रहे हैं आपको, ठीक है, राज्यसभा में तो UK में हाउस ऑफ लॉर्ड बोला जाता है, लॉर्ड्स, और अमेरिका में बोला जाता है आपको सेनेट बोला जाता है, ठीक है, सेनेट, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये हो गया आपको राज्यसभा के बारे में, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो कि तो आपको राज्य में विधायक हैं MLA यहाँ पर चुन के आते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, MLA चुन कर आते हैं, ठीक है, MLA चुन कर आते हैं। तो हम लोग पढ़ लिए संसद, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। पॉलिटी के बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिए हैं, पूरा राष्ट्रपति खत्म कर दिए हैं।
ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा राज्यसभा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अब नेक्स्ट सर आ रहे हैं मैथ वाले सर, तो हम कल पढ़ाएंगे दूसरा टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, तब के लिए थैंक यू।